और अब बात करते हैं यूपी उत्तराखंड समेत 5 चुनावी राज्यों की और जानते हैं कोरोना की तीसरी लहर के दौरान इन राज्यों का क्या हाल है। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में कोरोना के आंकड़ों में हेराफेरी का खेल जारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनावी राज्यों सहित तमाम प्रदेशों में कम टेस्ट कम पॉजिटिविटी केस का सिलसिला चल पड़ा है। फिर भी स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों को सही माने तो यूपी में 24 घंटे के अंदर 11,020 केस सामने आए, जबकि इस दौरान 17 लोगों की मौत हुई है। वहीं पंजाब में कोरोना के 5,697 केस सामने आए, जबकि 45 लोगों की जान गई। उत्तराखंड में भी संक्रमण दर तेज होने के बावजूद यहां 24 घंटे के अंदर 3,064 नए मामले मिले, जबकि 11 लोगों की मौत हो गई। गोवा में 1,387 नए केस सामने आए, वहीं कोरोना की वजह से 5 लोगों की जान गई। वहीं मणिपुर में भी 24 घंटे के अंदर कोरोना के 418 मामले सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई। देश भर में कोरोना की तीसरी लहर का असर देखा जा रहा है, लेकिन बात दक्षिण भारत की करें तो यहां कोरोना की वजह से हालात लगातार खराब होते नजर आ रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना संक्रमण के मामले को देखें तो दक्षिण भारत के राज्यों में महामारी का कोहराम मचा है। हालांकि सच्चाई ये भी है कि सेकंड वेव के मुकाबले कोरोना की तीसरी लहर कम घातक साबित हुई। बावजूद इसके इन राज्यों में रोजाना कोविड के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। 24 घंटे के अंदर केरल में 26,514 लोग संक्रमित हुए, जबकि तमिलनाडु में संक्रमण का आंकड़ा 30,215 रहा। आंध्र प्रदेश में 14,502 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। वहीं बीते दिन कर्नाटक में 46,426 कोरोना संक्रमित हुए। केरल और कर्नाटक में कल के मुकाबले संक्रमण केस काफी कम आए हैं। यही वजह है कि कोरोना के में गिरावट को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।